जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही फुटवेयर इंडस्ट्रीज का लीडिंग कंपनी है। बिजनेस मॉडल का नाम है बाटा इंडिया, जो लगभग टॉप से 45% डाउन है। 45% डाउन, अगर बाटा कंपनी डाउन है तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा। उसका डिटेल से अपन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लगातार गिरावट आ रही है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल के पास में खड़ा है। अगर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ से, नहीं तो और गिरावट आती है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक चल रहा है, अब ट्रेंड में कहाँ पर आएगा, इसको कहाँ से रिवर्स मिलेगा, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बाटा इंडिया के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फंडामेंटल समझेंगे, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको पूरी जन्म कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले ये बाटा इंडिया का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। पहले देखिए एक अप ट्रेंड का था, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे और फिर इसमें लगभग आप देख सकते हो कि कोविड के बाद में अक्टूबर 21 के बाद में लगातार इसमें एक गिरावट दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो पहले कि इसमें पहले एक इसमें बाउंस आया कोविड के बाद में और फिर वापस इसमें डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड का हम सब जानते हैं कि डाउन ट्रेंड का सिग्नल देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं, इस तरह से ही जाता है। एक बार भी दोस्तों इसने रिवर्स नहीं किया, अपने जो लोअर टॉप पैटर्न था उसको एक बार भी ब्रेक नहीं किया। कहने का मतलब है कि अगर इसका ट्रेंड को पहचानने की कोशिश की जाए तो हमने डिस्कस पहले भी किया था कि इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। सही में माने तो ट्रेंड चेंज यहाँ पर होगा 1700 के लगभग एक चेंज हो सकता है। कौन सा प्राइस है लगभग, ठीक है 1700 के लगभग है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, अप ट्रेंड है। लेकिन अगर हम ये मानेंगे कि यहाँ से तो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये अपना इवेट करे तो यहाँ जाके दोस्तों वापस भी आ सकता है। यहाँ पर मेजर सपोर्ट क्यों है पहले वो देख लेते। पहले सपोर्ट मेजर सपोर्ट हम जोन बनाते हैं, इस चार्ट को एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। पहले एक यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया था, देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था तो दोस्तों बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से रिवर्स होता है। लेकिन हमने यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनाया था और सपोर्ट के लिए बोला था कि मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग TRCP देना चाहिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग है, डाउन ट्रेंड का है तो मेजर सपोर्ट से रिवर्स होगा तो डेली और वीकली दोस्तों जो भी TRCP बनते हैं वो फेल होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में अगर कोई बाइंग TRCP देता है तो एक बार इसमें रिवर्स जरूर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए और फिर अब एक तो ये मेजर सपोर्ट यहाँ वाला है और ये पहले था तो ये मतलब जोन टाइप का बना हुआ है, तो यहाँ मेजर सपोर्ट के पास में आ गया। अगर पहली बात तो यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। अब दूसरी, एक बार की रिवर्स मेजर सपोर्ट होता है तो यहाँ पर कोई बाइंग TRCP बनना चाहिए। देखो पहले मेजर सपोर्ट था हैमर बुलिस सरामी बुलिस क्या मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन टाइप का पैटर्न बना। अब ये अगर यहाँ पर कोई बन जाता है तभी रिवर्स होगा, नहीं तो रिवर्स नहीं हो सकता। मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग TRCP बनना चाहिए। अगर ये नहीं बनता है तो क्या हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम में बन के, डेली टाइम फ्रेम में तो बना नहीं है लेकिन बन भी सकता है। अब ये वीक जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या एक स्ट्रॉन्ग चल रहा है या डाउन ट्रेंड मतलब वीक हो रहा है, तो ये हम देखेंगे अभी। उसको जैसे RSI है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो हो सकता है मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग TRCP बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक कंडीशन ये। अगर नहीं बनता है तो दोस्तों फिर बाद में ये लेवल आपको दिखाई देंगे, जो भी लेवल है। प्राइस कितनी है लगभग आप देख सकते हो कि 1150 के लगभग है। 1150 के लगभग आपको मतलब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये लेवल है, एक तो हमारा यही लेवल है जहाँ से मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग TRCP देना चाहिए। नहीं बनती है तो फिर बाद में इसको हम यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। दो ही कंडीशन है, नहीं तो इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अब इसको ऊपर कहाँ का रजिस्टेंस आएगा, कौन सा ट्रेड लाइन का रजिस्टेंस ले रहा है उसको समझेंगे। इससे पहले एक बार इसके बिजनेस मॉडल पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए बाटा कंपनी है जो चप्पल जूतों का मैन्युफैक्चरिंग है। ये लेदर की चप्पल जूते मतलब जूती चप्पल ये बनाती थी, अब ये रबड़ के भी बनाने लग गए हैं। वो देखेंगे किस तरह से। देखिए मेन वुमेन के लिए है ये बाटा, एक सेकंड आप इसमें देख सकते हो, देख रबड़ के भी चप्पल जूते हुए बना रहे हैं। अब ये देख सकते हो, ये इसमें देख सकते हो, ठीक है स्पोर्ट्स के हुए ये चप्पल जूते ये। तो ये देखिए इसमें आप डायग्राम में ये भी देख सकते हो, चप्पल भी बनाने MRP ये और उसकी ज़्यादा है शायद, ये मेरे को लग रहा है उसके, ये तो उसी के हैं रबड़ के नहीं है ना। लेकिन ये जूते ये अपन देख रहे हैं ये इसके हैं रबड़, मतलब चप्पल जूतों का मैन्युफैक्चरिंग है। अब इसमें मेन के लिए, वुमेन के लिए, किड्स बच्चों के लिए सबका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये इसका बिजनेस मॉडल हो गया। अब इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो देखिए इसे, एक सेकंड, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग फुटवेयर एंड एक्सेसरी बिजनेस रिटेल एंड होलसेल नेटवर्क सारा काम। इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 16,826 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1309 है। हाई गया इसका 1771 है, लो गया इसका 1295 है। ये तो हाई लो गया है लेकिन 52 वीक का है। ये सर हाई तो इसका सर 23 या 2200 के लगभग मारा है इसने। स्टॉक भी है 58% है, 58 है। आरओसी इसका 19.6% है, आरओई इसका 19.8% है, फेस वैल्यू इसकी 5 है और डिविडेंड भी अच्छा देती है 1.2 वाला, ये डिविडेंड भी देती है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल एक्सपेंडिचर देखिए इसका दिसंबर का ही दिया हुआ है, मार्च का भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट नहीं दिया हुआ है इसमें। जून सितंबर दिसंबर की बात की जाए तो देखो 950 ये हम सेल एक्सपेंडिचर और नेट अदर इनकम का सोर्स और नेट प्रॉफिट ये देखेंगे। देखिए इसमें सेल कितनी हुई है 958 है, बाद में 819 हो गया और 903 है। तो ये अभी जो मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। यहाँ से तो बढ़ गया है लेकिन पहले वाले से कम है, ठीक है। तो ये मतलब कंफ्यूजिंग वाले हैं कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो चार्ट भी एक बार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एक्सपेंड मार्केट को क्या है कि एक मतलब सिक्योर चाहिए कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है और कंटिन्यू बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार बढ़ गया एक बार घट गया तो मार्केट विश्वास नहीं करता, वो बाद में ऐसे ही चला जाता है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 719 है, बाद में 637 है, 721 है। अब अगर ये मान लें कि आगे 2 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ गए तो मार्केट इसको बस अच्छा तरह से रिवॉर्ड देगा। अदर इनकम का सोर्स है, पहले इसमें एक पॉजिटिव है, माइनस में 25 था, ये 11 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका अदर इनकम का सोर्स हो गया। फिर बाद में नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें देखिए पहले 107 था, बाद में 34 हो गया, फिर बाद में 58 हो गया, ये इसका नेट प्रॉफिट हो गया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें इक्विटी कैपिटल 64 करोड़ का है, 64 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व की बात करें तो 1339 है। बोरोइंग की बात करें तो 1263 है, 1263 बोरोइंग है, इसका कर्जा है, कोई ज़्यादा है नहीं। और फिर हम समझेंगे इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए 50% है, एफआईएस के पास 8% है, डीएच के 28% है और पब्लिक की होल्डिंग इसमें 14% के लगभग है। और कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, 2,23,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये इसका बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो देखो ऐसा नहीं है कि चप्पल जूते बंद हो जाएंगे, लोग पहनना बंद हो जाएंगे, बनाना बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि डाउन ट्रेंड का है, चार्ट साफ साफ बोल रहा है, देखो चार्ट साफ साफ बोल रहा है कि डाउन ट्रेंड का है। और अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो वो भी एक कन्फ्यूजिंग वाले हैं, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो मार्केट को ये चीज़ें पसंद नहीं है। मार्केट को ये होता है कि एक बार आपका कंटिन्यू कॉन्स्टेंट बढ़ के आ रहा है नहीं आ रहा है, उस इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर चार्ट की इसका देखें तो मेजर सपोर्ट के पास में पहली चीज़ ये यहाँ पर बाइंग टीआरसी पे दे या फिर ये मेजर सपोर्ट ये जो ये लेवल है ये हो गया। अब अगर इसको डाउन ट्रेंड गया तो ऊपर की तरफ देखो एक ट्रेड लाइन का साफ साफ दिखाई दे रही है आपको सबको, जो भी साथी जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल चार्ट पता है। ये देखो ट्रेड लाइन बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पर सेलिंग टीआरसीपी ही मिलनी चाहिए। ये देखो यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस। तो इस ट्रेड लाइन को पास देखो एक ट्रेंगल पैटर्न बन गया नहीं है, और ये मतलब 90 डिग्री का ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। अगर ये देखें तो 90 डिग्री का ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। जब अच्छा मोमेंट आया इसको ब्रेक करेगा। अब देखिए एक चीज़ अपने को और देख सकते हैं कि जगह यहाँ से आके रिवर्स होता है तो यहाँ एक बार 100% इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, नहीं मिलता है तो अगर ये अचानक ब्रेकआउट कर देता है तो कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना, नीचे वापस आई पुल बैक पैटर्न। क्योंकि 5-6 बार इसको रेजिस्टेंस लिया है तो सपोर्ट लेना चाहिए, सीधी सी बात है। सपोर्ट लेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद में अच्छी रैली आ सकती है। नहीं तो इस रेंज के अंदर है तब तक कंसोलिडेट कर सकता है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बने, नहीं बन सकती। यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में दे तो इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इस लेवल पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ से रिवर्स हो रही है, ये उधर चला जाए तो आपको 200-300 रुपये मतलब 200-250 रुपये मान लीजिए, 300 रुपये के लगभग मान लीजिए, 250 रुपये के लगभग, तो आपको ये सस्ता मिल जाएगा, यहाँ आपको महंगा मिलेगा। जिस हिसाब से आपको रणनीति बना सकते हो, आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है, वहाँ से आप इसको बाइंग कर सकते हो। ये इसका चार्ट का कंक्लूजन हुआ जो हमें समझने, जो चार्ट पर मेरे को दिखाई दे रहा था हमने मतलब समझने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग हुई हो, कुछ आपको इंप्रूवमेंट हुआ नॉलेज में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और हर सैटरडे को मैं मॉर्निंग में 10 से 12 लाइव आता हूँ जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं अलग अलग सेक्टर के सभी स्टॉक और किस तरह से चार्ट को अप्रोच दिया जाए, उसको लर्निंग करने, जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं पूछ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।